हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल तो फ्रेंड्स आज की वीडियो एक विंटर का बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट है जिसे हम पेरिनल प्लांट भी कह सकते हैं बस विंटर में नहीं पूरे साल हमारे पास ये प्लांट रहता है और फ्लावर्स भी बहुत ही अच्छी इस प्लांट में देखने को हमें मिलता है विंटर में थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें फ्लावरिंग होती है तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि इम्पेशन या चाइनीज वल्सों को हम घर में कैसे इजी तरीके से कटिंग से ग्रो करें जिससे हमारा प्लांट हंड्रेड परसेंट ग्रो भी हो जाए और प्लांट हमारा खराब भी ना हो और आपको रिजल्ट भी मैं दिखाऊंगी और मैंने कुछ ग्रो भी कर रखे वो भी मैं आज शेयर करूंगी आपके साथ और प्लांट में फ्लावरिंग भी आ रही है मेरी तो ये जितने भी प्लांट हैं मेरे पास ये सारे मैंने कटिंग से ही लगाया है एक भी मैंने नर्सरी से परचेस नहीं किया है और इसी प्लांट में से मैं कटिंग से आपको बताऊंगी कि कैसे हमें सिंपल तरीके से कटिंग करना है तो चलिए इनकी थोड़ी सी केयर के बारे में आपको पहले मैं शेयर कर देती हूँ ये प्लांट फ्रेंड्स शेड लिविंग प्लांट है इन्हें ज़्यादा धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है ना विंटर में और समर में तो बिल्कुल भी नहीं तो समर स्टार्ट होने वाला है तो समर की केयर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इस प्लांट को अभी फेव स्टार्ट है फ्रेंड्स से तो मार्च से इस प्लांट को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ इसे धूप ना मिले मतलब वार्निंग की अगर वन आवर से की इसे धूप मिल रही है तो ये प्लांट खुश रहेगा अगर बहुत ज़्यादा धूप में इस प्लांट को रखेंगे तो ये प्लांट फ्लावरिंग भी ज़्यादा नहीं कर ती है और प्लांट खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है और मैं वैसे भी हिल स्टेशन के पास रहती हूँ तो भी मैं इस प्लांट को कभी भी धूप में रख नहीं रखती हूँ और विंटर में भी मैंने धूप में नहीं रखा है तो भी आप देख सकते हैं कि प्लांट की कंडीशन कितनी अच्छी है और फूलों से भरा हुआ है ये प्लांट तो इस प्लांट के लिए फ्रेंड्स हमें ज़्यादा बड़े पॉट का चॉइस भी नहीं करनी होती है छोटे पॉट में भी हम इस प्लांट को लगा सकते हैं और एक बात इस प्लांट के लिए शेयर करती हूँ फ्रेंड्स अगर आपका प्लांट वन ईयर से ज़्यादा पुराना हो जाता है तो इस प्लांट को बचा के रखने के लिए हमें कटिंग की बहुत ज़रूरत होती है इस प्लांट को अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो हमारा जो प्लांट रहता है वो ख़राब हो जाता है ज़्यादातर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर कर रही हूँ ये सारे जितने भी प्लांट हैं फ्रेंड्स हैं मैं क्या करती हूँ प्लांट है, थोड़ा सा ग्रो हो जाता है क्योंकि ये प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो होते हैं इनकी रूट्स बहुत ही तेज़ी से निकल जाते हैं और प्लांट ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता लेकिन पुराना हो जाता है वन ईयर से तो ये प्लांट ख़राब होने का चांस रहता है तो अगर हमारा प्लांट को हमें आगे बढ़ा के फ्री में तैयार करना है तो इनकी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है और इस प्लांट के लिए एक अच्छी बात है फ्रेंड्स रेनी सीजन में और विंटर में और इस टाइम फेब में आप इस प्लांट की कटिंग कीजिए और हल्की जगह रखिए जहां इसे ब्राइट लाइट मिले बस सनलाइट ना मिले तो ये प्लांट बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगा ग्रो हो जाएगा और उनकी रूट्स भी निकल जाएंगे वाटरिंग की बात करूँ तो फ्रेंड्स इस प्लांट को पानी बहुत ही पसंद है मतलब ड्राई सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है ड्राई रहती है तो ये प्लांट बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं और ख़त्म होने का चांस भी रहता है क्योंकि ये प्लांट बहुत ही सॉफ्ट होता है तो जैसे जैसे विंटर समर स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स अभी समर का टाइम स्टार्ट है तो आप समर में अपने एरिया के अकॉर्डिंग इसमें सुबह शाम पानी दीजिए और ये मैंने कटिंग से वन मंथ पहले ही लगा रखा है और रिजल्ट आपके सामने है फ्रेंड्स इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और कितने अच्छी तरीके से इसमें देखिए वर्ड्स भी स्टार्ट है और ब्रांच कितने सारे निकल गए हैं तो इसे और एक दिखा देती हूँ ये भी और दोनों मैंने जब कटिंग से तैयार किया था तब मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया है तो जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक सेंड कर दूंगी तो फ्रेंड्स इस प्लांट को आप साल में दो बार कटिंग से तैयार कर सकते हैं एक रेनी सीजन में और एक फैब लास्ट में और इस दोनों टाइम में आप कटिंग करेंगे तो ये प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा तो चलिए कटिंग लेने के लिए हमें सॉइल तैयार करनी होती है नॉर्मल सॉइल तैयार कीजिए कुछ भी स्पेशल नहीं है के लिए आप 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए और 30% आवर रिवर्स सैंड लीजिए और 10% फर्टिलाइजर और ड्रेनेज होल का ध्यान रखिए जैसे देखिए ये मैंने घर में एक मेरा ये डब्बा पड़ा हुआ था तो इसी से मैंने ये इसमें पॉट मैंने तैयार कर रखा है लेकिन ड्रेनेज होल बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स और पानी स्टोन ना रहे ज्यादा पानी स्टोर रहेगा तो क्योंकि ये प्लांट इनकी ब्रांच बहुत सॉफ्ट होती है बस हाथ से पकड़ते ही टूट जाता है तो वो इनकी आ, पढ़ने का भी चांस रहता है तो चलिए आप ब्रांच लेते हैं ब्रांच कैसे लेना है ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स इनके हर ब्रांच में देखिए आप देख सकते हैं नोट एरिया होता है जैसे ये और हर नोट एरिया से एक छोटा सा इनके ब्रांच निकल जाता है तो हम नोट एरिया से लेते हैं वैसे किसी टूल का मुझे यूज़ करना नहीं था फिर भी मैं कर रही हूँ कैची है मेरे पास और हल्के से तोड़ने से ये प्लांट निकल जाता है और इनकी छोटी छोटी पत्तियाँ सारे हटा देती हूँ और दो ब्रांच मैंने लिए ये जैसे कि मैंने हटाया है और टूल की सहायता से थोड़ी सी होल कर लेती हूँ डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाऊंगी नहीं तो नीचे के हमारे जो अम, ब्रांचे हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो टूल से थोड़ा सा होल बना के तब इसे लगा देते हैं, और पानी दे दूंगी फ्रेंड्स इसमें मैं ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं ज़्यादा पानी देने से भी खराब हो जाएगा वैसे नमी बनी रहे ऐसे और इस प्लांट को मैं ऐसी जगह रखूंगी जहाँ पूरी ब्राइट लाइट हो लेकिन धूप बस मॉर्निंग की अगर आधा घंटा मिले तो ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है इस टाइम जब कटिंग लगाते हैं जब तब फर्टिलाइज़र की ज़्यादा यूज़ मत कीजिए फ्रेंड्स अगर प्लांट आपके पास है कोई पुराना तो कटिंग ज़रूर कीजिए क्योंकि कटिंग नहीं करते तो प्लांट खराब होने का चांस रहता है और कटिंग करने से हमें एक नया प्लांट भी मिल जाता है जैसे ये मैंने कर रखे हैं और जितने भी मैंने कटिंग लिया ये सारे मैंने कटिंग से ही साल में दो बार ज़रूर मैं इनकी कटिंग करती हूँ और न्यू न्यू प्लांट तैयार कर लेती हूँ तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी नई नई वीडियो लेके आऊँगी तब तक नमस्कार बाय हैप्पी गार्डनिंग